खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। भोपाल सागर एसपी द्वारा बिना टीआई नवल आर्य को लाइन अटैच करने पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि टीआई द्वारा अमान्यता तो हुई, निरंकुशता तो हुई थी, इसी आधार पर तो विभाग ने लाइन अटैच किया है। प्रश्न इस बात का है कि पुलिस प्रशासन को यह अधिकार किसने दिया। किसी भी नगर के प्रतिष्ठित नागरिक के निवास या प्रतिष्ठान पर जाकर छापामार कार्यवाही करें, किसी मुखबिर की सूचना पर पहुंच गए और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। कुछ जगह ऐसा होता है कि मुखबिर की सही होती है, लेकिन जहां नहीं होती है वहां की व्यवस्था क्या है? उस नागरिक या व्यापारी की प्रतिष्ठा को वापस कौन लाएगा? तो एक तरह से प्रताड़ित किया था। अभी जानकारी आई है कि उस टीआई पे कार्रवाई की गई है, एसपी ने उनको निलंबित किया है, लाइन अटैच किया है, तो इसमें थोड़ा सा आपकी तरफ से आपका दृष्टिकोण देखिए। एक तो तय है, स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं लापरवाही या निरंकुशता या मनमानी हुई थी। इसी आधार पर तो विभाग ने या पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच किया। प्रश्न इस बात का है कि पुलिस प्रशासन को यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी भी प्रतिष्ठित नागरिक के प्रतिष्ठान पर या निवास पर हम किसी भी एक बेवजह शक शुभा या किसी मुखबिर की सूचना पर पहुंच जाएं और उसकी इज्जत को तार तार कर दें। यह हो सकता है कि कुछ घटनाओं में ऐसा हो, 10 जगह की सूचनाओं में 5 जगह 7 जगह ऐसा होता हो, लेकिन जहां नहीं हुआ वहां इसकी क्या व्यवस्था है कि उस प्रतिष्ठित नागरिक की या व्यापारी की प्रतिष्ठा को कौन वापस लाएगा? और यह भी जांच का विषय नहीं बचा कि नहीं, हम जांच कर रहे हैं कार्रवाई ठीक थी या नहीं थी। जांच कर ली, कार्रवाई अनुचित लगी, संबंधित प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया, उसको लाइन अटैच कर दिया, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा की भरपाई करने की क्या व्यवस्था है? क्यों नहीं, हम यदि किसी मुखबिर की सूचना के आधार पर था तो वह गलत है। और जैसा उस व्यापारी ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि रिश्वत की मांग करने के की पूर्ति नहीं करने की प्रक्रिया में यह कार्रवाई की गई, तो जहां आज कोरोना जैसी महामारी संकट में पुलिस के लोग एक देवदूत की भूमिका में नजर आ रहे हैं, वहीं ग्रामीण अंचलों में क्यों यमदूत की भूमिका में नजर आ रहे हैं? और आज तो ठीक है, उसमें एक स्वाभिमान था, वो एक जिसको कहना चाहिए कि उस प्रक्रिया में आगे बढ़ा, अन्यथा 10 में से या 100 में से 90 घटनाएं तो दब जाती हैं, दम तोड़ देती हैं, कुछ ही प्रकाश में आती हैं। तो ये बेलगाम जो चौथ वसूली पुलिस की चल रही है, इसको बेनकाब करने के लिए निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं में पूछना चाहिए कि आपने रोजनांचे में क्या दर्ज किया, किस मुखबिर की सूचना पे किया, कि सिर्फ बेवजह उगाही वसूली आपकी नहीं हो पा रही, आप कार्रवाई कर बैठेंगे, बल्कि सुनिश्चित होगा, क्योंकि उस सूचना तंत्र में यह व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूचना तंत्र और मुखबिर तंत्र के नाते वो अपने भ्रष्ट तंत्र बढ़ा रहे हो, क्योंकि यदि इसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होगी तो यह तो फिर किसी भी प्रतिष्ठित के यहाँ छापा मारेंगे और कहेंगे कि सूचना मिली थी, ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तो जिसको कहा जाता है ना न्याय में कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरापराधी दंडित नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो ये स्थिति उल्टी है कि हम किसी एक को पकड़ने के लिए 99 की प्रतिष्ठा को तार तार कर देंगे। और ये तो एक अलग न्यायिक विषय है कि वह व्यक्ति मानहानि का मुकदमा लगाए या क्या करे, लेकिन ये सबके लिए एक संकेत है कि आप सुनिश्चित करिए उस बात को। और यह कोई सार्वजनिक बताने का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा सूचना तंत्र और मुखबिर तंत्र की आड़ में कोई भ्रष्ट तंत्र तो विकसित नहीं हो रहा है, इस और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।